हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आजकल आप लाइक करना भूल जा रहे हो तो सबसे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। अब बात करते हैं स्टोरी की। तो कहानी है एंशिएंट टाइमलाइन की, जब सभी सेंस आपस में ही लड़ रहे थे और एक दूसरे को मार रहे थे। और ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि प्लैनेट सेडाला का किंग एक बीमारी के चलते मारा जाता है और उसका कोई वंशज नहीं होता। इसी कारण सभी सेन किंग की गद्दी पाने के लिए आपस में लड़ रहे थे, पर कुछ सेंस इसके खिलाफ थे, जिस कारण प्लैनेट सेडाला पर सेंस की एक सिविल वॉर छिड़ गई जो काफी महीनों तक चलती है, जिसमें बहुत से मासूम बच्चे मारे जाते हैं। ये देखकर सेंस का एक अच्छा ग्रुप आखिरी दाव खेलते हैं और कुछ सेंस मिलकर अपनी ताकत यामोशी को दे देते हैं और वो सभी इविल सेंस के खिलाफ लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं। और कुछ इविल सेंस को बंदी बना लिया जाता है। और उस दिन के बाद यामोशी और उसके साथियों को किसी ने नहीं देखा होता कि अब वो कहाँ चले गए। और सबको लगता है शायद वो सेन वॉर में मारे गए और अब 1000 साल से भी ज़्यादा टाइम बीत चुका होता है। और अब सभी को सुपर सेन गॉड की बात एक बनावटी कहानी लगने लगती है, क्योंकि इतने सालों में कोई सुपर सेन गॉड अचीव नहीं कर पाया था। पर यामोशी के कुछ वंशज अभी भी इस बात पर विश्वास करते थे कि सुपर सेन गॉड होता है, और उन्हीं वंशज में से एक था शैलोट। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। शैलोट को बचपन से ही अकेले रहने की आदत थी। वो हमेशा अपने पूर्वजों के इतिहास के बारे में खोजबीन करता रहता था। शैलोट कहता है, गिबलेट, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुझे पक्का विश्वास है सुपर सेन गॉड होता है, जिसे हमारे पूर्वज यामोशी द ग्रेट एंशिएंट ने अचीव किया था। फिर गिबलेट कहता है, शैलोट, तुम इन चीजों में अपना वक्त और दिमाग खराब मत करो, और मेरा तो बिल्कुल भी नहीं। ये बस एक कहानी है जो हमें दादा दादी बचपन में खुश करने और सुलाने के लिए सुनाया करते थे। फिर शैलोट कहता है, हाँ ये कहानी सच है और मैं इसके बहुत ही करीब हूँ, बस तुम्हारा साथ चाहिए। अब हम दोनों एक साथ सुपर सेन गॉड अचीव करेंगे। तभी गिबलेट को गुस्सा आता है, अपना मुंह बंद करो, बहुत से सेन सुपर सेन के कितने लेवल अचीव कर चुके हैं और तुम अपने पूर्वज की कहानी में जी रहे हो, वो सब तुम्हें मसल कर रख देंगे और तुम कमजोर, कुछ नहीं कर पाओगे। और फिर गिबलेट वहां से चला जाता है। शैलोट कहता है, मेरे भाई, मैं हार नहीं मानूंगा। और तभी वहां एक इविल सेन आ जाता है और कहता है, क्या तुम ही शैलोट हो, यामोशी के वंशज? शैलोट कहता है, हाँ मेरा नाम शैलोट है और मैं यामोशी का वंशज हूँ। फिर वो इविल सेन कहता है, फिर तो मैं सही जगह आया हूँ, मैंने सुना है तुम सुपर सेन गॉड के बारे में पता लगा रहे हो। शैलोट कहता है, हाँ पर तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कैसे पता लगा? इविल सेन कहता है, मुझे सब पता चल जाता है, तुम बताओ सुपर सेन गॉड के बारे में तुम क्या जानते हो? शैलोट कहता है, क्यों, मैं तुम्हें क्यों बताऊं, और तुम्हें तो सब पता होता है, तो खुद ही जान लो। फिर इविल सेन कहता है, रुको, तुम यहां से कहीं नहीं जा सकते जब तक मेरा काम पूरा ना हो जाए। शैलोट कहता है, कैसा काम, और मुझसे तुम चाहते क्या हो? इविल सेन कहता है, मैं तुम्हें यहां मारने आया हूं, और उन सेन्स को भी जो भी उस यामोशी के वंशज हैं। ये सुनकर शैलोट शॉक्ड हो जाता है और कहता है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। इविल सेन कहता है, हाँ मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। और तभी इविल सेन शैलोट पर अटैक कर देता है और शैलोट इविल सेन के आगे कमजोर पड़ जाता है और कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इविल सेन कहता है, सवाल अच्छा है पर जवाब देने का मेरा मूड नहीं है, और तू तो बहुत ही कमजोर निकला। और तभी वहां गिबलेट आ जाता है और कहता है, तो फिर अपनी बराबरी वाले से क्यों नहीं लड़ते? इविल सेन कहता है, अब तुम कौन हो? गिबलेट कहता है, खुद ही जान लो। तभी गिबलेट इविल सेन को एनर्जी बॉल मार देता है, जिससे वो इविल सेन काफी डैमेज हो जाता है। और तभी शैलोट सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है
ये देखकर एविल सेन समझ जाता है कि ये लड़का तो काफी चालाक निकला। ये पहले अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ रहा था, इसने अपनी ताकत रोक रखी थी। और सभी शैलोट एक एनर्जी बॉल एविल सेन पर मार देता है। फिर एविल सेन कहता है, अरे नहीं, ये लड़का तो मेरी सोच से कई ज्यादा ताकतवर निकला। और फिर शैलोट कहता है, तुम जो भी हो, तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारी भलाई इसी में है। सच सच बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? एविल सेन कहता है, मैं तुम्हें बस इतना बता सकता हूँ कि अब एक बहुत ही बड़ी जंग होने वाली है, जिसमें सब मारे जाएंगे और हमारे लोगों की जीत होगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। शैलोट कहता है, मुझे उसका नाम बताओ जो ये सब करवा रहा है। एविल सेन कहता है, अगर इससे ज्यादा मैंने तुम्हें कुछ बताया तो वो मुझे भी मार देगा। और तभी गिबलेट एक एनर्जी बॉल उस एविल सेन पर मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। शैलोट कहता है, गिबलेट नहीं, ये क्या किया तुमने? फिर गिबलेट कहता है, मेरे भाई, ये बस हमारा वक्त जाया कर रहा था। फिर शैलोट कहता है, पर हमें इसे रोकना ही होगा जो भी इसने बताया है, क्योंकि अगर ये बात सच हुई तो हजारों लोग एक बार फिर मारे जाएंगे। तो दोस्तों, ये पार्ट यहीं एंड होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट्स में जरूर बताएं। अगले पार्ट के लिए वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी, क्योंकि जितना आपका सपोर्ट मिलेगा, मैं भी उतना ही हार्डवर्क करके आपके लिए ऐसी वीडियो अमेजिंग स्टोरी लाता रहूंगा। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।